झारखंड में आज से नई सरकार। जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 5 फरवरी को साबित करेंगे बहुमत। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस से विधायक आलमगीर आलम और आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता ने ली मंत्री पद की शपथ। रांची से हैदराबाद पहुंचे गठबंधन के सभी विधायक। हॉर्स ट्रेडिंग के डर से जेएमएम नेता बसंत सोरेन सभी को लेकर रांची से हुए थे रवाना। झारखंड की सियासत पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि जेएमएम में फूट होने पर राज्य में लग सकता है राष्ट्रपति शासन। जेएमएम का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा 2.5 साल से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हमारे पास 47 से ज्यादा विधायक, हम करेंगे बहुमत साबित। डीएमके ने बीजेपी पर लगाया तमिलनाडु सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। सांसद टीआर बालू बोले बीजेपी कर रही है सरकार गिराने की कोशिश। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कहा हम सीधे याचिका नहीं सुनते। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाईकोर्ट जाने को कहा है। रांची में पीएमएलए कोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। अदालत ने हेमंत को 5 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेजा। बजट सत्र के दौरान संसद में भी गूंजा झारखंड का मुद्दा। दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से किया वॉकआउट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर आज भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। समन को बताया गैरकानूनी। पहले 4 समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। केजरीवाल और सीएम भगवंत मान भी हुए शामिल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा वोट चोर है बीजेपी। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा दावा। कहा पहले अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल, फिर जाएंगे ईडी के पास। आज सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर नारेबाजी। सीपीएम पर बरसी सीएम ममता बनर्जी। कहा सीपीएम को लाखों लोगों की हत्या का पाप लगा है। ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं हो सकता है गठबंधन। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने टीएमसी को बताया इंडिया गठबंधन का हिस्सा। कहा सीट शेयरिंग पर चल रही है बात। यूपी में बीएसपी के साथ कांग्रेस कर सकती है गठबंधन। समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग पर नहीं बन पा रही है बात। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी के घटक दलों की आज तीसरी बैठक। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर भी शामिल होंगे। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 48 घंटे के लिए धरने पर बैठ गई हैं। केंद्र से राज्य का 7,000 करोड़ का बकाया देने की मांग कर रही। आज झारखंड में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कल देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में राहुल गांधी पूजा अर्चना भी करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विशेषज्ञ समिति से मुलाकात की। कमेटी को सीएम धामी ने बोनसाई गिफ्ट भी किया। 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। यूसी से रिपोर्ट पर होगी चर्चा। 4 दिन चलेगा विधानसभा का विशेष सत्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हुई सुनवाई। व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। अगली सुनवाई 6 फरवरी को। तमिलनाडु में एनआईए का एक्शन तेज है। करीब 10 जिलों में एनआईए टीम की छापेमारी। एनटीके पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों के यहां छापा पड़ा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी में अचानक भरभराकर गिर गया फ्लैट की छत का प्लास्टर। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हो गई। लोग दहशत में आ गए। कर्नाटक के पांडेपुर में जंगली हाथी ने 2 राहगीरों का पीछा किया। एक राहगीर के गिरने के बाद हाथी वापस लौट गया। हाईवे पर यात्रियों ने कैमरे में कैद किया ये पूरा मामला। बिहार के जहानाबाद में जनशताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पैसेंजर ट्रेन से उतरकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे मजदूर। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 किलो सोना 5 किलो चांदी के साथ साथ 1,84,00,000 का कैश भी जब्त किया है। नेल्लोर में पुलिस ने 5,12,00,000 कैश जब्त किया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकम टैक्स को जांच सौंप दी गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी हुई। पटरियों पर बिछी बर्फ की चादर के बीच गुजरती दिखी ट्रेन। अद्भुत नजारे को लोगों ने कैमरे में कैद किया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद स्कूल और कॉलेज बंद करने के निर्देश। बर्फबारी के चलते कई मार्ग बंद हैं। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी।
लद्दाख के लेह में विंटर कार्निवल जश्न ने फतेह की शुरुआत। विंटर कार्निवल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक।